केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन जल्द न्यू मॉडर्न लुक में नजर आएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के द्वितीय चरण में मेरठ सिटी स्टेशन को सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन के रिनोवेशन पे 473 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वर्चुअली इसकी आधारशिला रखी। स्टेशन को 4 मंजिला बनाया जाएगा। इस क्रम में आज 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 रोड ओवर ब्रिज अंडर पास का शिलान्यास, उद्घाटन और समर्पण किया गया। मेरठ रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी कई बार मांग कर चुके हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी जिस कार्य का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन व लोकार्पण भी वही करते हैं। इससे स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी मोदी ही पीएम चुनकर आ रहे हैं। आज सिटी रेलवे स्टेशन पर समारोह आयोजित किया गया था। यहाँ मीडिया से वार्ता करते हुए राज्य सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने यह कहा। सबसे पहले मेरठ सिटी के इस बड़े पुनर्विकास योजना में आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास किया है, उनमें से एक मेरठ सिटी का रिनोवेशन भी है। मैं मेरठ वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। और अब चूंकि ये रेलवे स्टेशन अब जैसा स्टेशन नहीं लगेगा, आने वाले समय में एयरपोर्ट हम जो देखते हैं ना, एयरपोर्ट जैसा हमारा ये सिटी रेलवे स्टेशन मेरठ का दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, सभी जो हमारे रेलवे स्टेशन पास हो रहा है इसमें मेरठ का क्रांतियों का ये जिला भूमि मानी जाती है, तो क्रांतियों की थीम पर ही इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। और आज मैं कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 554 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और 1500 जिसमें रोड ब्रिज और अंडरपास उनका भी ये कार्यक्रम आज उन्होंने शिलान्यास किया है। तब माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर के अब तक जो रेलवे में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, हम कह सकते हैं यूपीए की सरकार में जहाँ पर मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल था उस समय रेलवे का केवल 8000 करोड़ बजट होता था। 13-14 जो लास्ट कार्यकाल था तब मैं कहूँगा उसमें केवल 29000 करोड़ का बजट होता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को बढ़ाते 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 2,52,000 करोड़ इस वर्ष का बजट रखा है। विचार कर सकते हैं बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन, और जिस तरह से रेल की पटरियों का विस्तारीकरण हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फंक्शन जैसे चल रहा है, और मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट को भी हम सब स्टेट को जोड़ने जा रहे हैं। और केवल नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारा त्रिपुरा अखौरा निस्मत रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश तक को लिए जोड़ने का जो अपना रेलवे का किया है, तब इस सबसे बहुत बड़े इस अभियान में जो कार्यक्रम आज का हुआ है, मुझे लगता है कि देश में आज तक इस प्रकार का इतना बड़ा कार्यक्रम रेलवे में नहीं हुआ। देखिए जिस तरह से आप देखिए कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत जल्दी इसका उद्घाटन भी होगा। और मुझे लगता है कि 2 साल में ये भव्य और दिव्य ये यहाँ का रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ेगा। और 2014 के बाद में जिस तरह से आपने रेलवे को बिल्कुल नया रेलवे जो है रेलवे विभाग देखा हुआ, उसमें चाहे रेलवे स्टेशन हो, रेल की पटरियाँ हो, अभी सफाई स्वच्छता की बात हो या सुविधाओं की बात हो, यात्रियों का सुगमता हो या फिर टाइम टेबल की बात हो, सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा सुधार हुआ। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यह कहा। कार्यक्रम से माननीय प्रधानमंत्री का ये संकल्प साबित हो रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं जिसका शिलान्यास करता हूँ लोकार्पण भी करता हूँ, 2 साल में पूरे होने वाले कामों का आज उन्होंने शिलान्यास किया है, यानी अगली सरकार में आने पर उसका लोकार्पण भी करेंगे, तीसरी बार मोदी सरकार। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का यह कहना था। माननीय मोदी जी का, माननीय रेल मंत्री जी का बहुत बहुत सबसे पहले तो आभार कि उन्होंने इस बड़ी योजना के अंदर मेरठ को भी इसका हिस्सा बनाया। वैसे पूरे रेलवे का ही कायाकल्प हो रहा है,
आप किसी भी स्तर से देखें, चाहे वो रेल पटरियों का विस्तार हो, दोहरीकरण हो, विद्युतीकरण हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, या जो है डिब्बों की संरचना हो, डिब्बों में सुधार हो, स्वच्छता हो, सभी दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में रेलवे का एक कायाकल्प हुआ है। और उस क्रम में देश भर के जो स्टेशन हैं जो कभी गंदगी से भरे पड़े रहते थे, आज वो अच्छे हुए हैं, नागरिक सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। और हमारा जो रेलवे स्टेशन है, आज 554 कुल रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। तो मेरठ का भी अगले 2-2.5 वर्षों में कायाकल्प होगा। यहाँ हवाई अड्डे के समान एक स्टैंडर्ड रहता है, उसके समान एक व्यवस्थाएं रहेंगी, सुविधाएं रहेंगी। और यहाँ पर फूड कोर्ट होगा, घूमने फिरने की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा। अरे शहर का एक प्रकार से वो सिटी सेंटर इस रूप में विकसित होगा। मैं हमारे शहर के सब लोगों की ओर से बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रेल मंत्री जी का करता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।